हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त पंकज और स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हो, ये है मेरठ साउथ RRTS स्टेशन और आप इसे मेरठ मेट्रो स्टेशन भी कह सकते हैं। तो बाकी आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरठ साउथ स्टेशन से लेकर और परतापुर तक कितना काम हुआ है, कितना काम अभी बाकी है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको कि साउथ मेरठ साउथ का जो स्टेशन है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी वो आम लोगों के लिए खोला नहीं गया है, तो अभी उसकी ओपनिंग नहीं हुई है। लेकिन अब मैं आगे दिखाऊँगा आपको परतापुर तक कि कितना काम हुआ है, कितना काम अभी बाकी है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे परतापुर की तरफ और कंप्लीट आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा मेरठ साउथ स्टेशन से लेकर और आपका परतापुर स्टेशन तक। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाकी आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से पटरियाँ डिवाइड होती हैं स्टेशन की तरफ और बाकी आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पटरियाँ वगैरह भी बिछा दी गई हैं और यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है वो भी यहाँ कंप्लीट हो आपको नज़र आ जाएगी। बाकी जैसा कि आप सामने देख सकते हो, जो आपके वायडक्ट को, ट्रैक को नीचे से जो क्रॉस कर रही हैं गाड़ियाँ, वो है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के ऊपर से ये अब मेरठ की तरफ जा रहा है। और मेरे अगर लेफ्ट साइड में आप नीचे देखोगे तो वो है NH 58, जो कि दिल्ली से और आगे हरिद्वार तक चला जाता है। बाकी आगे फ्लाईओवर के नीचे से मेरठ सिटी के अंदर आप जा सकते हो, या आप फ्लाईओवर के ऊपर से आप सीधा हरिद्वार ऋषिकेश जा सकते हैं। और जो हमारा RRTS का ट्रैक है वो थोड़ा सा साइड में यहाँ से साइड घूम जाता है, क्योंकि साइड में आपके रेलवे की भी पटरियाँ हैं तो उनको क्रॉस करेगा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी आपको, और यहाँ पर ट्रैक बिछाने का काम किया जा रहा है। और एक ट्रैक तो बिछा दिया गया, दूसरे ट्रैक को बिछाने का काम यहाँ पर तेजी के साथ में चल रहा है। और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ आपका इन ट्रैक्स पर मेरठ मेट्रो का भी ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, और जो मेरठ मेट्रो है वो आकर खड़ी हो चुके हैं दुहाई डिपो में और उनका ट्रायल वहां पर चल रहा है। एक ट्रैक बनाया हुआ है दुहाई डिपो में, अगर आपको दुहाई डिपो की वीडियो देखनी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर एक ट्रैक है जिस पर सबसे पहले ट्रेनों को लाकर वहाँ पर इंस्पेक्शन भी होता है और वहाँ पर ट्रायल भी किया जाता है, उसके बाद ही ट्रैक पर ट्रेन्स को लाया जाता है। तो यहाँ पर जो रेलवे लाइन है, इंडियन रेलवे है, उसको क्रॉस करके वापस से ये हमारा दिल्ली मेरठ रोड, पहले ये NH 58 यही है, तो दिल्ली मेरठ रोड के बराबर बराबर ये आ जाता है। और इसके बाद में जितना भी मेरठ के अंदर का एरिया है वो मोस्टली रोड के बीच में ही होने वाला है। तो अगर मैं आपको पीछे की बताऊं तो गाजियाबाद के बाद में मेरठ की तरफ जितना भी आपका स्टेशंस वगैरह हैं वो मोस्टली आपके NH 58 यानी कि दिल्ली मेरठ जो रोड है उसी के बीच में बनाए गए हैं। और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रैक का काम तो कर लिया गया है, लेकिन अभी दूसरे ट्रैक का काम यहाँ पर बाकी है। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन है वो भी यहाँ पर पोल तो लगा दिए गए हैं लेकिन अभी लाइन नहीं खींची है। अब यहाँ पर ये आपका मेरठ रोड, जो मेरठ सिटी के अंदर जो जा रही है दिल्ली से आने वाली रोड, तो परतापुर हमने क्रॉस कर दिया है तो उसके बाद में जाके ये स्टेशन होता, तो अब बिल्कुल रोड के बीचों बीच हो चुकी है लाइन। और साथ ही साथ जो स्टेशन है वो भी रोड के ऊपर ही है, दोनों साइडों में जो रोड है वो स्टेशन के नीचे से गुजरने वाली है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ से पटरियाँ डिवाइड होती है और यहाँ आपको ट्रैक बिछा हुआ कंप्लीट दिखाई दे जाएगा। और ये है स्ट्रक्चर परतापुर स्टेशन का, जो कि मेट्रो के लिए होने वाला है और दोनों ट्रेनें इसी से होकर गुजरने वाली हैं। तो इस स्टेशन पर रुकेगी आपकी मेरठ मेट्रो, जो रैपिड रेल है वो इस स्टेशन पर नहीं रुकने वाली है। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ परतापुर स्टेशन, इस पर कितना काम हुआ है,
और कितना अभी बाकी है। जैसा कि आप रूफटॉप का काम देखेंगे और साइड वॉल का काम देखेंगे तो स्ट्रक्चर, एक जो स्टेशन का स्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आना शुरू हो चुका है। और साइड में आप देखोगे तो ये जो आपका एंट्री एग्जिट पॉइंट है ये आपका मोदीपुरम की तरफ जाने वाला एंट्री एग्जिट पॉइंट है। तो स्टेयर्स वगैरह बना ली गई हैं और जो एस्केलेटर है उसका काम अभी यहाँ बाकी है, और जो दिल्ली की तरफ जाने वाला एंट्री एग्जिट पॉइंट है उस पर काम थोड़ा ज़्यादा बाकी है। जैसा कि आप देखोगे कि जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है, स्टेयर्स वगैरह, उनको जो फाउंडेशन है उसकी वो स्टेशन तक पहुँच चुकी है, स्टेशन से मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी काम बाकी है। जो साइड वॉल है वो बाकी है, रूफ टॉप का भी काम बाकी है, जो जो यहाँ पर पिलर्स वगैरह बनने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और जो लोहे के गार्डर वगैरह से जो स्टेशन की एक स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है। और आपको मैं बता दूं कि दो फ्लोर का ये स्टेशन होने वाला है। फर्स्ट फ्लोर पर कॉन्कोर्स लेवल होगा, टिकट काउंटर वगैरह होंगे, और सेकेंड फ्लोर पर आपका प्लेटफॉर्म होगा। तो प्लेटफॉर्म तक आपका ये स्ट्रक्चर वैसे तो मोस्टली कंप्लीट हो चुका है और आप जैसा कि देख भी सकते हैं, लेकिन अभी इस पे कम से कम 50% काम बाकी है जो होना अभी बाकी है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरठ मेट्रो कब तक चलेगी, तो मेरठ मेट्रो जब ये प्रतापपुर का स्टेशन तैयार हो जाएगा उसी के बाद में मेरठ मेट्रो स्टार्ट होगी, क्योंकि ये दो स्टेशन हैं आपके मेरठ साउथ और प्रतापपुर, ये दोनों स्टेशन पर ही सबसे पहले मेरठ मेट्रो भी चलने वाली है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राम राम।